लॉकडाउन। आज कोरोना वायरस जो एक महामारी बन चुकी है और हर एक देश के लिए एक समस्या बन चुकी है, पूरे विश्व में इसका असर देखा गया है, जिसके कारण कई देशों में लॉकडाउन कर दिया गया है। इसी में शामिल है भारत, जिसने कोरोना वायरस से बचने के लिए कई राज्यों और ज़िलों में लॉकडाउन कर दिया है। लेकिन आखिर ये लॉकडाउन होता क्या है और इसको क्यों लागू किया जाता है, कहीं ना कहीं ये सभी सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो आइए जानते हैं आपके इन्हीं सवालों के जवाब। सबसे पहला सवाल, लॉकडाउन क्या है? लॉकडाउन एक तरह की आपातकालीन व्यवस्था है जो सामान्य तौर पर लोगों को अपने घरों में एक निश्चित समय तक रोकने के लिए लागू की जाती है। इसकी घोषणा लोगों को बड़ी आपदाओं से बचाने के लिए की जाती है। जैसा कि अब विश्व के कई देशों में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हो रहा है, इसका अर्थ होता है लोग अपने घरों से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि कोई बेहद ज़रूरी काम ना हो या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं हो। लॉकडाउन एक इमरजेंसी व्यवस्था होती है। अगर साधारण शब्दों में समझे तो लॉकडाउन का अर्थ होता है तालाबंदी। जिस तरह किसी संस्थान या फैक्ट्री को बंद किया जाता है और वहाँ तालाबंदी हो जाती है, उसी तरह जिस किसी क्षेत्र में लॉकडाउन होता है, वहाँ आप अनावश्यक कार्य के लिए सड़कों पर नहीं निकल सकते। इस दौरान किसी तरह की परेशानी होने पर लोग संबंधित पुलिस थाने, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक अथवा अन्य उच्च अधिकारी को फ़ोन कर उनकी सहायता ले सकते हैं। अगला सवाल, लॉकडाउन क्यों करते हैं? किसी देश या राज्य अथवा जिले या फिर किसी भी क्षेत्र में लॉकडाउन तभी किया जाता है जब कोई आपातकालीन स्थिति हो या फिर किसी आपदा से लोगों को बचाना हो। जैसे कि अब कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर और इससे बचने के लिए पूरे विश्व में कई देशों में लॉकडाउन किया गया है, ताकि लोग घरों में ही रहें, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण एक से दूसरे इंसान में फैलता है, जिसके लिए यह ज़रूरी है लोग घरों से ही बाहर ना निकले, इसलिए कुछ देशों में लॉकडाउन लागू किया गया है। अगला सवाल, लॉकडाउन के दौरान क्या क्या बंद रहता है? जब किसी क्षेत्र में लॉकडाउन होता है तो वहाँ पर स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, मॉल, दुकानें, सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल व अन्य संस्थान बंद रहते हैं। अगर इसके बावजूद ये सभी खुलते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगला सवाल, लॉकडाउन के दौरान क्या क्या खुला रह सकता है? लॉकडाउन से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस दौरान राशन, दूध, फल, सब्जी, दवाई की दुकानें और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है, उन सभी की दुकान खुली रहती है। जैसे कि पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, गैस सिलेंडर की आपूर्ति, बिजली पानी की सेवा, डॉक्टर, अस्पताल, फायर सर्विस, बैंक, एटीएम, टेलीकॉम सेवाएं इत्यादि पूर्ण रूप से खुली रहती है। यानी कि आपको सामान्य जीवन जीने के लिए तमाम तरह की ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति होती रहती है। अगला सवाल, कोरोना वायरस के कारण किन किन देशों में है लॉकडाउन? जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण विश्व के कई देशों में लॉकडाउन किया गया है, जिनमें भारत सहित चीन, डेनमार्क, लंदन, अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, न्यूजीलैंड, पोलैंड, स्पेन और कई देश शामिल है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का सबसे पहला केस चीन के वुहान शहर से सामने आया था और धीरे धीरे ये वायरस चीन में फैलता चला गया, जिसके कारण चीन ने सबसे पहले लॉकडाउन करने का फैसला लिया था। उसके बाद इटली ने और फिर स्पेन और फ्रांस ने लॉकडाउन का फैसला किया। अगला सवाल, लॉकडाउन के दौरान आम जनता को क्या करना चाहिए? लॉकडाउन करने पर सरकार आम जनता से केवल एक ही चीज़ चाहती है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही ना करें और सरकार के आदेशों का अमल करें। अगर आज की बात करें तो भारत में लॉकडाउन किया गया है वो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए। इसीलिए सरकार यह कभी नहीं चाहेगी कि कहीं भी लोगों का जमावड़ा हो या फिर लोग समूह के रूप में एकत्रित हो और लोग बाहर निकलने पर इस खतरनाक वायरस के संक्रमण के शिकार हो जाए, बल्कि सरकार तो लॉकडाउन के माध्यम से आप सभी को महफूज रखने का काम कर रही है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस पर अमल करें। आज के वीडियो में हम आपसे अपील करते हैं कि सरकार द्वारा लॉकडाउन का निर्णय राज्य की जनता को कोरोना से बचाने के लिए किया गया है, इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम अच्छे नागरिक की तरह इसका पालन करें और कोरोना से लड़ने में देश का समर्थन करें।
मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपके मन में और भी कई सवाल होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। धन्यवाद।